हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे टू। वैसे ये डे टू है नहीं, उसकी वजह ये है कि कल जो क्लिप्स सबसे पहले वाले क्लिप्स लिखे हैं वो आज से 3 से 4 दिन पहले के हैं, ठीक है। तो खैर, घर की क्योंकि सेटिंग में और उसमें मसरूफ़ थे, अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती है, पीछे हो सकता है मैसअप हुआ आप लोगों को नज़र आ जाए, कोशिश करूँगा ना नज़र आए, लेकिन अगर आ जाता है तो उसे इग्नोर करना क्योंकि अभी शिफ्टिंग चल रही है और शिफ्टिंग के दौरान ये सब चीज़ें आम है, ठीक है। तो खैर बॉयज़, आज का सीन ये है कि आज है चांद रात, वैसे ईद की चांद रात होती नहीं, लेकिन खैर चांद रात ईद से पहले वाली रात है, सुबह ईद है इंशाल्लाह, उसके अंदर हम कसाई बने होंगे अच्छे से। एक और मेन चीज़ आप लोगों को बतानी है कि ये व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे ईद के बाद, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ईद का व्लॉग हो सकता है ईद वाले दिन आ जाए या फिर ना आए, उसका मैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो खैर अभी जाते हैं, मैंने जूता लेना है, भाई ने जो है कपड़े वगैरह लेने हैं ईद के लिए, सुबह नमाज़ वगैरह भी पढ़नी है, तो समझा करो। तो अभी चलते हैं वहीं पर और जाकर लेते हैं अपने ईद की थोड़ी शॉपिंग करते हैं, बाल दोबारा ख़राब हो गए क्योंकि गर्मी काफ़ी है, ठीक है। तो खैर अभी चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को बाहर, लेट्स गो। चलो बॉयज चलिए, जाके थोड़ी शॉपिंग कर ली अपनी है। बालों की हालत ख़राब ही है, नाजुक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इतना चलता है बॉयज, लेट्स गो। हमारे साथ आज फिर हमारे प्यारे भैया दोबारा से खजल होने जा रहे हैं, टाइम अभी हो चुके हैं तकरीबन 8, टाइम लग जाता है। एसी बंद, ओए चाचू तालिब लग गया, आज पेट्रोल पहले से डलवाया हुआ ताकि हमें रास्ते में रुकना ना पड़े, एंड लेट्स गो। चलो एसी पहले चलाएंगे, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। चलो बॉयज़ खैर अभी आप लोगों को मिलते हैं आगे जाके, साथ वगैरह को उठा लेते हैं, ठीक है, और मिलते हैं आप लोग को सीधा वहीं। चलो बॉयज। A few moments later. लोकली? एक काम कर। इसको जाना, इसको घर उतार ले। आ बैठ। सीट थोड़ी सी नहीं। ये पीछे वाला भी एक नागिन करें थोड़ा सा। हाँ ये। हम तेरे प्यो नौकर हैं, क्या नहीं आना तूने, इसको पकड़ के बैठ के बिलाल जो भी दोस्त ऐसे फिल्में दे ना आपको, मैं 6 किलोमीटर पीछे था, मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा हमें आ रहा हूँ, कहता आज मैं खाना खा रहा हूँ, इसके मैं घर के बाहर आके खड़ा हूँ रोड पे, इसने हमें कहा कि मैं आ रहा हूँ, हम 2 मिनट रुको, 10 मिनट से वहां खाए, घर से नहीं निकला ये, इसको लेते 15 मिनट लग गए और ये अभी तक घर से बाहर नहीं निकले, नखरे भी खत्म हो रहे हैं, नखरे भी खत्म हो रहे भाइयों के, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, है अब 5 मिनट क्यों यार, तुम लोगों ने शुरुआत की जानी मैच पे, और तेरी चप्पल पहन से चप्पल दो यार, चप्पल लेना मार यार, गुलबर्ग वहाँ पे छोटा सा काम होगा, फिर चलते हैं एम्पोरियम, जाके शॉपिंग करते हैं। चलो अब सीधे आप लोग को मिलते हैं रास्ते में, जल्दी जल्दी आना पड़ेगा भाई, लेट्स गो। पुटी सीधी गला करो मेरे बारे में, लेकिन तेरी मौत मैंने देखा इस्तखारे में, तेरा क्या काम यहाँ हिप हॉप इदारे में, भाई बेंस तेरा बाकी ये खटारे है, तेरे जैसे मैं तो रखता पटारे में, टिकट टाले हिप हॉप नहीं तेरे बारे में, पाकिस्तानी मुंडा गली नंबर 3 तबीयत तन फकीर, आग तोड़ सा फ्लो लाया, चे डूबे ये बंदे अजीब, ये बच्ची दे पीछे ये पीने अफीम, ये नट देना सादे पींदे शराबा ते चस्ते कती ते बेचे जमीर, ये एना दे कख नहीं पले, एना दी जिंदगी नशे दे चले। ओके बॉयज पार्किंग लग गई है, हम लोग पहुंच चुके हैं एम्पोरियम, चलो यार चलिए हम अंदर, लग गया ब्रो गाड़ी में कुछ पड़ा तो नहीं है, अब निकला नहीं जाएगा यहाँ से जगह कम, वो कहीं निकल रहा क्या, इतना मोटा भी नहीं हूँ, इतना मोटा भी नहीं, इतना मोटा, तेरा फोन तो, ओ तेरा फोन तो अंदर पड़ा, देना यार सच्ची में अंदर पड़ा, तभी हाथ क्यों लगा रहा है ये भाई, ये अब्यूज कर रहा है मुझे, फिजिकल अब्यूज कर रहा है, हाँ इसको पकड़ो
चल ना The next day. नहीं ब्रो बस वो पांच आया वैसे कर हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू डे टू। अब हुआ है असल डे टू, ठीक हो गया। तो सीन ये गया जो पहली बार क्लिप्स थी वो करनी थी पिछले व्लॉग के साथ ऐड, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गई थी क्लिप्स, इसकी वजह से उसके साथ ऐड नहीं की। अब सीन ये है कि उसको कर दिया है इस व्लॉग के साथ ऐड और अब आया है ये हुआ डे टू, ठीक हो गया। तो खैर सीन ये है कि बॉयज आज हमने जाना है कुछ छोटे मोटे काम है, सही है। और लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा है मतलब जिससे पहले मेरी क्लिप्स उसमें देखा है कि बिलाल को किस तरह पड़ी गई, ठीक है। अगर आपका भी कोई दोस्त ऐसी हरकतें कर रहा है तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो, पकड़ो और मारो उसे भाई, सीधी बात। खैर योर साइड। तो सीन ये है बॉयज के रुको थोड़ी सी ना रोशनी ले लें, हाय 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 मज़ा आ गया। खैर तो सीन मेरी जान का टोटल ये है कि अभी हम लोगों ने जाना है कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है अपने घर की, क्योंकि न्यू घर है, जब शिफ्टिंग करो तो पता चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं छोटी 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 चीज़ें हैं जो लेनी है, ठीक है। आज हमें जाना दो दिन छोटे छोटे काम है, कुछ सफाई वगैरह की चीज़ें लेके आनी है, सही है। तो अभी जाते हैं वो लेके आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है उसमें जो है लास्ट क्लिप मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी लो, ठीक है, इसकी वजह से जो है उसको वहीं पर हमें एंड करना पड़ा था और उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए जो इम्पोरियम मॉल के अंदर जब हम कह रहे थे शॉपिंग। अच्छा तो फ़ोन हो गया था बॉयज डैड, ये चीज़ मैंने लोगों को बता दी है क्योंकि इस वजह से उसके आगे जो क्लिप्स नहीं हो पाई, सही है। तो खैर आज नेक्स्ट डे है, अभी चलते हैं अपने जो जो काम है जल्दी से निपटाते हैं, जल्दी चलो बॉयज जल्दी जल्दी जल्दी। चलो बॉयज दरवाज़ा करो बंद। अच्छा गाड़ी निकालते हैं, लेकिन एक काम हमने ये भी करना है कि गाड़ी पे वॉश अगर टाइम मिल गया गाड़ी पे वॉश करवानी है। क्या ये निकालो लो सामने वाले भी उनको कह देते हैं, तो भाई साहब भी गाड़ी बिल्कुल शाम पे आगे चले गए हैं पर हमारी निकलने की जगह नहीं है। खैर स्टार्ट शूट करो वो आ जाता तो फिर निकाल ही लेते हैं। अभी एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, हालत किस कदर गंदी है। पहली बात तो ये मिट्टी इधर देख रहे हो ये हाथ पे फील हो रही होगी। दूसरा ये चीज़ मेरे को हफ्ता एक हो गया ये पता नहीं क्या लगा था इधर और उसके निशान जो है जमे हुए हैं ये भी। ये भी कोशिश पूरी करने का वॉश हो जाए आज, बाकी भाई आ गए हालत अभी गीले हैं अभी भी जरा मुँह धोया अभी भी उठे ना समझा करो। तो भाई निकाल रहे गाड़ी टेन फिर निकलते हैं, सही हो गया दस को चलो भैया जी। अच्छा तो बॉयज नए घर में नए काम और मतलब नई नई चीज़ें देनी पड़ती हैं तो आप लोग को पता है मसरूफियत ख़त्म नहीं होती। तो खैर सीन अभी का ये है कि यार अभी हम लोग जा रहे हैं ज़रा मॉप वगैरह लेना और क्या क्या लेना हमने कुछ सैनिटरी की चीज़ें लेनी है कुछ और चीज़ें लेनी है चावल लेने हैं। खैर ऐसी छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने लेनी है तो फिर आपको पता ही काम हम लड़कों के नहीं करने होते हैं और किसने करने हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो घर का छोटा बेटा वो करता है लेकिन मैंने उससे बड़ा भाई भी रखा हुआ है, हम दोनों करते हैं ताकि मुझे अकेले को फील ना हो, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं पहले मोह वगैरह लेते हैं जो चीज़ें करनी है वो पकड़ते हैं, उसके बाद चलेंगे क्या स्टोर वहाँ से ज़रा कुछ राइस वगैरह पकड़ने हैं, सही है वो भी उठा लेंगे और देखते हैं फिर कहीं क्या प्लान बनता है। वैसे प्लान आज कोई ख़ास है नहीं। खैर दो दोस्त हैं हमारे नल्ले, दोनों को फ़ोन किया दोनों ने नहीं उठाया तो हमने कहा चलो ठीक है समझ गया क्या आप फेक फ्रेंड्स हैं वो लोग हमारे, ठीक है। बाकी रही बात जो आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताना था और लास्ट ब्लॉग में आपसे बात हुई थी कि साथ में एक एक्सीडेंट कैसे हुआ था, ठीक है। तो वो सीन इसी में बता देंगे नेक्स्ट हफ्ते जब उनको उसको पास बुला के जब वो होंगे ना शाम को उनको रीच आउट करते हैं अगर तो मिलता है तो आज ही बताओ। किसके अंदर जाके साथ भाई लगे ये कौन भाई साथ भाई के अंदर आगे लगे हैं, ठीक है। तो इजी सीन है बाकी चलो चलते हैं जरा वो जो चीजें वगैरह लेनी है वो पकड़ो। एक शॉप है यहाँ से पकड़ लेते हैं जो अगर कुछ मिलता है तो चल भाओ ये वाला लेना एक ऐसा मोब लेना है लेकिन ये छोटा इससे को बड़ा लेते हैं और जो दो तीन चीज़ें लेनी हैं वो ले लेते हैं देन आप लोगों को मिलता हूँ क्योंकि अंदर ज़्यादा चीज़ें वगैरह ढूंढनी है तो ब्लॉग नहीं हो पाएगा, सही है चलो। A few moments later. चलो ब्रदर ये सारी चीज़ें रखो इधर अंदर चल भाई आने दे लेट्स गो बॉयज। ओ
ओके बॉयज, तो जो चीज़ें हमने यहाँ लेनी थी ये तरह एक ही शॉप थी, यहाँ से हर चीज़ मिल गई है, इसलिए हम इधर रुके थे, छोटी थी लेकिन ये है कि हर चीज़ मिल गई है तो हमने इसलिए यहाँ से ले ली है। अभी हम लोगों ने जाना है इम्तियाज़ स्टोर, वहाँ से करने हैं अपनी राइस, उसके बाद हम फ्री हैं, वेल हैं, देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना, थके हुए बहुत है, कोशिश होगी घर चलें, बाकी प्लान बन गया तो कर लेंगे, क्योंकि वापस आकर उन दोनों से भी पूछ लेंगे हमारे जो फेक फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमें आज टोपी दी है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं इम्तियाज़ स्टोर, वो चीज़ें ले के बस राइस करने हैं, वो ले लेते हैं, चलो लेट्स गो, जो भी चलें। ओके बॉयज, अभी हम एंटर हो चुके हैं इसके अंदर इम्तियाज़ स्टोर की पार्किंग में, तो खैर ये रही पार्किंग, अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर जाकर जो है अपना जो सामान वगैरह लेना वो लेके जल्दी से नीचे आते हैं, क्योंकि ऊपर तरफ फैमिली वगैरह होती है तो वहाँ पर ब्लॉग वगैरह का सीन नहीं होगा। उसके अलावा मज़े की बात ये है कि इस जो पार्किंग है इससे हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं, ठीक है। तो खैर यहीं पर गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी और खैर काफ़ी यादें जुड़ी हैं, उनको मिस करवाते हैं फिर कभी इंशाल्लाह, अगर कभी वैसे वो शेयर करने वाली है नहीं लेकिन अगर कभी सीन बनाया तो आपसे शेयर करेंगे। खैर अभी चलते हैं जल्दी से अंदर जाकर अपनी चीज़ें वगैरह लेनी है वो लेते हैं और फिर निकलते हैं, लेट्स गो। ये काम भी हो गया डन, अब चलते हैं घर, यहाँ से निकलते हैं फिलहाल, बाकी बातचीत होगी बाद में। हाय हाय थक गया यार, अभी चलते हैं कोई और प्लान देखते हैं है या नहीं है, काम हमने सारे कर लिए कंप्लीट, अब जो है दोस्तों से पूछ लेते हैं फेक फ्रेंड्स जिन्होंने आज हमें टोपी दिया कर तो वो मिल गए ठीक है, वरना उनको करेंगे मिस और निकलेंगे सीधा घर को, सही है चलो। ओके बॉयज, तो इम्तियाज़ स्टोर से वापसी पर हमें लगी है बहुत ही ज़ोरों की भूख, हम लोग अभी फिलहाल आ गए थे बरकत मार्केट, यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है ये लोडेड फ्राइज, खा के दिखाओ भाई ये बात तो खैर अभी बस ये खाते हैं और इसके बाद जाएंगे सीधा घर, और अभी इस टाइम हिम्मत बिल्कुल डेड हो चुकी है, घर जाके आप लोग को सीधा मिलते हैं, सही है, बाकी जल्दी से पेट पूजा करें, भूख इस टाइम बहुत ज़्यादा लग रही है, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये ले भाई ले जाओ, पकड़ ले जा ले जा सब उठा के, हाँ ये भी ले जाओ, चलो ये देखो, हाँ आ जाओ, ये लो आप ले जाओ, ये लो ये भी है एक लास्ट, ये गिर गया ना वैसे यहाँ से, ये लो इसको भी ले जाओ, डिग्गी हालत में नाजुकी है वैसे। अच्छा तो खैर वो इस चीज़ें सारी जो है निकाल ली हैं, उसके बाद अभी आ चुके हैं घर, मैं रास्ते में सो गया था, इस कदर बुरी हालत हो चुकी है मेरी, ठीक है। तो आज इस व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी व्लॉग के साथ, अभी बस अंदर जाके मैं सोता हूँ, हालत बहुत टाइट हो चुकी है, ठीक है। तो भाई को तो इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू व्लॉग के साथ, आज इस व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तानी मुंडा गली नंबर 3 तबीयत तन फकीर, आग तोड़ सा फ्लो लाया, दुख से डूबे ये बंदे अजीब, ये बच्ची दे पीछे ये पीने अफीम, ये हट दे ना सादे पींदे शराब ते चस ते कती ते बेचे जमीर, ये एना दे कख नी पले, एना दी जिंदगी नशे दे चले, रैपर ये कट बस कला ये करे मुकाबले दी गला करावा मैं कले, चिकी जावा स्पीड नू ते डरने लगे ने सड़ने लगे ने मरने लगे ने मेरा